जबलपुर के पाटन में विद्युत मंडल कार्यालय में एक शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर आए। इसमें से बिजली बिल, वोल्टेज और खराब ट्रांसफार्मर की समस्याएं भी सामने आई। विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री नवनीत राठौर का कहना है कि शिविर के आयोजन का उद्देश्य था कि उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। शिविर में जो भी समस्याएं सामने आई हैं, उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। साथ ही पाटन इलाका कृषि प्रधान है, इसलिए विद्युत मंडल विशेष इंतजाम कर रहा है। साथ ही यहां पर भी लाइन और वोल्टेज की समस्या है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और विद्युत मंडल इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करेगा। सर, आज किस तरह जनसुनवाई आई? हाँ, आज हमारे मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र माननीय श्री गेल वर्मा साहब के निर्देशन पर पाटन क्षेत्र के लिए बृहद जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो हम जनसुनवाई करते हैं हर प्रत्येक मंगलवार को, लेकिन आज जो है पूरे संभाग के सारे कनिष्ठ यंत्री और सहायक यंत्री यहाँ पर अपना उपस्थित हैं और दूर दराज से गांव से जो लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं को हम तुरंत निपटा रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ लोग बिलिंग को लेकर के उनको समस्या थी, तो उस बिलिंग की समस्या को हम लोग तुरंत सॉल्व भी किया और उपभोक्ताओं ने अपना पुराना लंबित बिल भी जमा कर दिया गया। कुछ उपभोक्ता यहाँ पर आए थे वोल्टेज की समस्या को लेकर के, ओवर वोल्टेज की समस्या, ओवरलोडिंग की समस्या को सब लेकर के आए थे और कुछ केबल की खराबी को भी लेकर भी आए थे, तो इसके लिए हमने वो चिन्हित कर लिए हैं। और हमने ऐसे हमारे पास करीब करीब 300 की लोकेशन है जहाँ पर कि हमने RRDS का सर्वे करा लिया है और कुछ हम अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगवाने वाले हैं पाटन क्षेत्र के लिए। पाटन क्षेत्र में चूँकि सर्वाधिक पंप चलते हैं और एक ये फर्टाइल एरिया है, तो उसके लिए अतिरिक्त 300 ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि आगामी सीजनों में कृषकों को भरपूर बिजली प्राप्त हो सके। इसी प्रकार कटंगी क्षेत्र में भी जो वोल्टेज की समस्या रहती थी, तो उसके लिए कटंगी बूरी क्षेत्र में के पास मुर्रई एक क्षेत्र है जहाँ पर कि हमारा 3311 की भी सबस्टेशन बन के तैयार हो रहा है, पावर ट्रांसफार्मर भी रख गया है और आने वाले 2 सप्ताह में हम वहाँ से 3 फीडर निकालेंगे 11 KV के, तो करीब उससे हमारे 2500 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।